पॉइंट ऑफ टाइम में कह सकते हो कि तीन सुपर बाइक्स तीन अलग अलग जगह खड़ी हैं, तो मालिक एक जगह। बहुत व्हाट्स अप गाइस, दिस इज वेरिएंट मैन अल्फा, और मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दें कि भाई क्या चल रहा है। तो ये चल रहा है कि भाई तबीयत थोड़ी ख़राब है, और उसके साथ साथ ये बल्ब ख़राब चल रहा है। उसके साथ यूट्यूब चैनल पर आया है कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक। अब वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। तो भाई ऐसा हुआ है कि किसी बंदे ने या फिर ने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मारी और हमारा वीडियो उड़ा दिया गया है। मुझे एक तरफ से बहुत खुशी हो रही है कि अगर ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज उन्हीं की आवाज़ दबाई जाती है जो सच बोलते हैं, ये मेरे को लगता है। अभी वो ये है ना यार कि अभी 9-10 हज़ार पे तो लोगों को वेटेज समझ नहीं आ रही। जब 1 मिलियन पे आके बात करेंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ आता है, तब तुम्हारे पास एक बैकिंग भी रहती है ना यार। कोई नहीं, सही समय आने दो। तो भाई ऐसा दिखता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। आप देखो अगली फोटो में, इसमें लिखा जा रहा है कि आपने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को तोड़ा है, गाइडलाइंस को तोड़ा है, जिसकी वजह से आपके चैनल पे अगर दोबारा होता है तो चैनल डिलीट भी हो सकता है, चैनल ये हो सकता है, वो पूरा सब लिखा है, आप पढ़ लो अंग्रेजी। और जो नहीं पढ़ सकते वो यूट्यूब पे टाइप कर लो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या हो सकता है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होता क्या। तो ठीक है यार, ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, इससे डरने डरने की बात नहीं है, उल्टा इसी से उभर के आगे आना है। तो देखो अभी अगला व्लॉग आने वाला है भाई, कल हमने गैरकटा का डाला, अभी बीरपारा का व्लॉग आएगा, उसके बाद सिलीगुड़ी का व्लॉग आएगा, और फिर 14 को जलपाईगुड़ी में मीटअप है। तो जो लोग कह रहे थे जलपाईगुड़ी मीटअप करो, तो फिर से एक मीटअप है जलपाईगुड़ी में 14 मई को, टाइम वगैरह स्टोरी पे डाल दिया जाएगा। तो उसके लिए जो लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते, वो इंस्टाग्राम में फॉलो करो ऑफिशियल बैन अल्फा से। और देखो गाइस, अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा अभी एक हफ्ते बाद के आसपास। एक और यूट्यूबर आ रहे हैं सिलीगुड़ी में, उनसे भी मीटअप प्लान है, देखते कैसा रहता है सीन। तो भाई अगर सुपर बाइक की अपडेट्स दे तो ये है कि दुकाटी मेरे पास है यहाँ पे सिलीगुड़ी में, R1 खड़ी है बीनागुड़ी में, और सुपर स्पोर्ट खड़ी है दिल्ली में। तो मेरी अभी शिवम भाई से बात चल रही है सुपर स्पोर्ट के लिए, हो सकता है मैं सुपर स्पोर्ट बेच ही दूँ, बिकॉज मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए ली थी, 1-2 महीने हो गया, टाइम पास हो गया, ज़्यादा राइड नहीं कर पाया उस पर मैं, वो सही बात है बिकॉज बैटरी इशू आ गया था। बट अब फाइनली सोच रहा हूँ कि अगर H2 लॉन्च होने वाली ही है तो क्यों ना वो जो पैसा सुपर स्पोर्ट बेच के आएगा उसको रोटेट करते कहीं, और रोटेट करके बढ़ा लेते ताकि H2 लेने में आसानी हो, लोन ना लेना पड़े, कम से कम लोन लेना पड़े। तो देखते हैं यार, अभी प्लान चल रहा है, सुपर स्पोर्ट की बात चल रही है, तो अगर सुपर स्पोर्ट चली गई फिर हमारे पास रह जाएगी R1 और डुकाटी V4S और एक R15 जो घर पे खड़ी है जम्मू में। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में कह सकते हो कि तीन सुपर बाइक्स तीन अलग अलग जगह खड़ी हैं, तो मालिक एक जगह, बहुत नाइंसाफ़ी है। R1 को बुला लेते जल्दी से, डुकाटी और R1 की सर्विस कराते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि भाई डुकाटी के मॉड शुरू करते हैं। बहुत हो गया, बहुत बहुत मजाक हो गया अभी, अब करते हैं प्रॉपर डुकाटी के मॉड शुरू, जो इंडिया में नहीं देखे हों किसी ने, ठीक है, जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा करेंगे। बस जल्दी से जल्दी आपको दिखाते हैं फिर ब्लॉग। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इट्स मी बैन अल्फा साइनिंग ऑफ।